क्या क्या कुछ डिटेल्स हैं? देखिए, थाना क्षेत्र बिसरक में ये अरेस्टिंग हुई है, जिसमें तीन लोगों को पकड़ा गया है। इसमें जो पहली अरेस्टिंग है, मैं डिटेल शेयर करूं तो वो एक चाइनीज़ नागरिक है जिनका नाम सू यू मिंग है, जो बिना किसी वैलिड वीज़ा परमिट के यहाँ पे पकड़े गए हैं। इनके साथ एक नेपाली नागरिक है अनिल थापा, और इनको सपोर्ट करने के लिए एक इंडियन है विनोद उर्फ अगस्त्य भाटी, जो मूल रूप से कटेड़ा दादरी थाना क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है। इनके पास से हमको कुछ पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी कार्ड, करीब 9 मोबाइल फ़ोन, कुछ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह मिले हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके पास से हमको 500 से ज़्यादा एक्टिवेटेड सिम्स मिले हैं, जो कि विभिन्न फर्जी इंडियन आईडीज़ पर हैं, जो अभी तक हम पूछताछ में और जो अभी तक की वेरिफिकेशन में हम लोग निकाल पाए हैं, वो ये है कि ये एक साइबर ठगों का गैंग है, जो शायद संभवतः कंबोडिया से एक्टिवेट हो रहा है, और उनको सपोर्ट करने के लिए ये लोग यहाँ पर हैं। ये यहाँ से इन सिम के माध्यम से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और कई इंडियन और चाइनीज़ ऐप्स वगैरह इंस्टॉल कर वहाँ पर यूज़ करते हैं, और फिर इंडियंस को टारगेट करते हुए साइबर रिलेटेड फ्रॉड करते हैं। हम डाटा कहाँ से चोरी करते हैं, जो डाटा लोगों को फ़ोन करते हैं वो कहाँ से लाते हैं? देखिए, क्योंकि डेटा भी बाय द एंड ऑफ द डे इंडियन ही है, तो जो डेटा का सोर्स है अभी हम उसको कम्प्लीटली नेल डाउन नहीं कर पाए हैं, लेकिन वो भी कुछ इंडियन सोर्सेज से ही इनको लीक आउट हो रहा है। मैम, सिम की बात की, 500 सिम है।